कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि बायोलॉजी आप लोग का समाप्त हो गया है। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव परिभाषा सब लोगों को व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छे से करें। हम आपको बताए हुए थे कि टेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों का, और बायोलॉजी एक लेसन से लेकर 5 लेसन तक टोटल का टेस्ट होगा। कुछ लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि बनता हुआ अंदर कि भाई आप टेस्ट कैसे लेने वाले हैं, तो आपको बता दें टेस्ट हम क्वेश्चन तैयार करेंगे और वो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, और आप ईमानदारी से क्या करेंगे उसका आंसर तैयार करेंगे। एक पेज पे एक का बी, बी में क्या है, दो का सी, सी में फिर क्या है, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक आंसर तैयार कीजिएगा और उसका फोटो खींच के आप उनको व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? और हम आपको उसको चेक करके जो है आपका कितना स्कोर आया, फिर हम आपके व्हाट्सएप पे उसको रिपीट भेज देंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से टेस्ट होगा। और टेस्ट किस दिन होगा ध्यान दीजिए, टेस्ट आप लोगों का होने वाला है किस दिन, बुधवार को। ये जो बुधवार आ रहा है, ठीक है, इस बुधवार को, जिस आज बृहस्पतिवार है ना, तो शुक्रवार से रविवार, तो आप लोगों को 4-5 दिन टाइम है। इस 4-5 दिन में आप क्या करें, अच्छे से बायोलॉजी टेस्ट का तैयारी करें। चलिए तो ये हो गया टेस्ट की बात, और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक का 4 तक हो गया था, दूसरा देखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। चलिए रुकिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। इसका पहला क्या करें सो देख लीजिए। फिर ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ध्यान दीजिए। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ए का मान 10 और डी का मान 10। इस एपी के कितने पद ज्ञात करने, आपको 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद को सूचित करते हैं ए से, और कितना कितना का गैप है सार अंतर उसको सूचित करते हैं डी से। तो चलिए दूसरा पद निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और सूत्र से भी बना सकते हैं। सूत्र का प्रयोग हम लोग अगले दिन सीखेंगे, अभी डायरेक्ट बनाइए। दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में जोड़ दीजिए डी का मान, तो पहला पद है 10 और डी का मान है 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। अब आपको तीसरा पद निकालना है, बोलिए क्या करेंगे? तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में जोड़ेंगे डी का मान। आठवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए? तो सातवां पद में जोड़ेंगे डी का मान, तो दूसरा पद में डी का मान, तो दूसरा पद है 20 और डी का मान है 10, तो कितना हो गया 30। अब अगर हम चौथा पद निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो चौथा पद के लिए क्या करेंगे? तीसरा पद में जोड़ेंगे डी का मान, तो बोलिए तीसरा पद कितना है 30 और डी का मान कितना है 10, 30 और 10 40। अगर हमको पांचवा पद निकालना होता तो क्या करते? चौथा पद में जोड़ते डी का मान, तो 40 और 10 कितना 50, ठीक है। 10 में 10 जोड़े 20, में फिर 10 जोड़ लिए 30, फिर 10 40, नोट किया जाए। आप वीडियो को नोट करते समय ऐसा जो वीडियो चलता है आप ऐसे करेंगे तो ऐसा रुकेगा, फिर बगल में कहीं पर टच करते हैं स्क्रीन पर तो ये भी हट जाएगा और आपका स्क्रीन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो नोट कर लिए, बढ़ो, इजाजत है बढ़ने का। चलिए
इसका दूसरा देखिए, ए बराबर माइनस दो, डी बराबर जीरो। पहला पद है माइनस दो, डी का मान जीरो, क्या जीरो हो सकता है? याद कीजिए सार्वंतर का परिभाषा क्या लिखवाए थे थ्योरी क्लास में, कि किस सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है, प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो, तीनों हो सकता है। तो चलिए दूसरा पद निकालने के लिए, ये आप लोगों का शिकार है, बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, चलिए ठीक है, तो बनाइए। तो हमसे तने आगे आगे ए वन में जोड़ लीजिए डी का मान, माइनस दो में जोड़िए जीरो, कितना आ गया माइनस दो। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में जोड़ लीजिए किसका मान, डी का मान, तो दूसरा पद कितना है माइनस दो, डी का मान जीरो, माइनस दो। चौथा पद निकालना है आपको, तो तीसरा पद में जोड़ लीजिए डी का मान, तीसरा पद है माइनस दो, डी का मान जीरो, माइनस दो। सब आंसर सेम आया भैया, गलती है क्या, सेम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, डी का मान जीरो, जीरो जोड़ना है, तो जीरो जोड़ेंगे तो वही ना होगा, माइनस दो में जीरो जोड़े वही, माइनस दो में जीरो जोड़े वही, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसका तीसरा देखिए, ए बराबर चार, डी बराबर माइनस तीन। पहला पद कितना है चार, गैप कितना का है माइनस तीन का। दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में जोड़ दीजिए डी का मान, पहला पद कितना है चार, गैप कितना का है माइनस तीन, तो प्लस माइनस माइनस तीन, चार में से तीन घटके कितना हो गया एक। तीसरा पद निकालना है, बोलिए तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में जोड़ेंगे किसका मान, डी का मान, तो दूसरा पद कितना है एक, और उसमें जोड़ लीजिए डी का मान कितना माइनस तीन, तो एक प्लस माइनस माइनस तीन, एक में से तीन घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस दो। अब देखिए चौथा पद आपको निकालना है, तो चौथा पद निकालने का फॉर्मूला बोलिए तो, केवल भाई जी बोल रहे हैं आगे आगे, दस नहीं बोल रहे, बोलिए दस, आप लोग को नहीं याद है फॉर्मूला? अरे इसमें फॉर्मूला क्या है चौथा पद निकालने के लिए, ओ गर्ल्स भी बोल रही है, ठीक है बोलिए और जोर से, नहीं सुन रहे हो, बोलिए। अब आया चौथा पद निकालने के लिए, क्या बोले, तीसरा पद में जोड़ेंगे डी का मान, ठीक है बिल्कुल सही बोले, तीसरा पद में डी का मान, तो तीसरा पद कितना है माइनस दो, और डी का मान कितना है माइनस तीन, तो माइनस दो प्लस माइनस माइनस तीन, तो कितना हो गया माइनस पांच। पांचवा पद छठा पद इस तरह से हम आगे और भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब एक बार फिर से चार में माइनस तीन जोड़े, प्लस माइनस माइनस से एक, फिर जो एक आया उसमें फिर माइनस तीन जोड़े, फिर जो आंसर आया फिर उसमें डी का मान जोड़े। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए, आप लोग तो क्लास को बहुत मिस करते होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि कब क्लास खुले और क्लास में जाए, और हम आप लोगों को उतना मिस नहीं करते हैं जितना इस समय भोज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में इतना भोज हम खाते थे, इतना मतलब शादियां मुंडन क्या क्या होता रहता था, इतना भोज खाते थे कि बहुत मजा आता था, ठीक है, हमको वो ज्यादा मिस हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा है। रियल में आप लोग को भी बहुत मिस करते हैं कि कब लॉकडाउन खत्म हो, आप लोग आइए और आप लोग का दर्शन हो। चलिए तो तीसरा हो गया, चौथा देखिए, एक का मान माइनस एक और डी का मान एक बट्टा दो,
जब हम यहाँ नोट करते रहे बनाते रहे तब आप हाथ को रोक लीजिए, ए का मान माइनस सिक्स डी का मान एक बटा दो, बोलिए तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद में जोड़ेंगे किसका मान, डी का मान, तो पहला पद बोलिए कितना है माइनस ए और डी का मान कितना है उसमें एक बट्टा दो, क्या कर लीजिएगा, ये तो आपका शिकार है, पूछो नहीं तो बट्टा में एक दो और एक का लघुत्तम हो गया दो, एक से दो में भाग देंगे दो मर्तबे, दो इकाई दो, दो से दो में एक मर्तबे की इकाई माइनस दो, प्लस एक में माइनस दो हो गया तो माइनस एक बट्टा दो। अब देखिए तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में जोड़ेंगे डी का मान, तो दूसरा पद कितना आया माइनस एक बट्टा दो, डी का मान कितना है एक बट्टा दो, तो दो दो का लघुत्तम दो माइनस एक प्लस एक तो जीरो बट्टा दो, कितना आ गया जीरो। अब देखिए चौथा पद निकालना है, चौथा पद के लिए क्या करेंगे बोलिए तो, तीसरा पद में जोड़ेंगे किसका मान, डी का मान, तो तीसरा पद कितना है जीरो और उसमें जोड़ना है कितना आपको, डी का मान है एक बट्टा दो, तो जीरो में एक बट्टा दो क्या हो गया एक बट्टा दो, डी का मान जोड़ते गए ये आया, फिर उसमें डी का मान जोड़े ये आया, फिर जो आंसर है उसमें डी का मान, फिर जो आंसर आएगा डी का मान, ऐसे करते हम 10, 20, 50 जितना पद कहेगा उतना पद निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, चलिए तो चौथा हो गया, अब हम लोग पांचवा देखेंगे, चौथा बन गया ना, पांचवा देखिए, एक का मान है माइनस एक दशमलव दो पांच और डी का मान है माइनस जीरो दशमलव दो पांच, चलिए दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में क्या जोड़ेंगे डी का मान, तो पहला पद कितना है माइनस एक दशमलव दो पांच, डी का मान कितना है माइनस जीरो दशमलव दो पांच, तो माइनस एक दशमलव दो पांच प्लस माइनस माइनस जीरो दशमलव दो पांच, इस दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए तो कैसे जोड़ते हैं, एक दशमलव दो पांच और जीरो दशमलव दो पांच, पांच पांच दस का जीरो, एक दो दो चार एक पांच एक, तो कितना आ गया माइनस एक दशमलव पांच जीरो। अब देखिए तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में जोड़ना है डी का मान, तो दूसरा पद कितना है माइनस एक दशमलव पांच जीरो और डी का मान कितना है माइनस जीरो दशमलव दो पांच, तो एक दशमलव पांच जीरो प्लस माइनस माइनस जीरो दशमलव दो पांच, तो एक दशमलव ऐसे 150 25 175 जोड़ सकते उसी तरह से। अब देखिए चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद में जोड़ लेंगे डी का मान, तो तीसरा पद है माइनस एक दशमलव सात पांच और डी का मान है माइनस जीरो दशमलव दो पांच, तो एक दशमलव सात पांच प्लस माइनस माइनस जीरो दशमलव दो पांच, 175 25 200 ना, माइनस दो दशमलव जीरो, दशमलव के बाद जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, दशमलव देख के घबराइए नहीं, 125 में 25 तो 150 दशमलव पे इग्नोर करके चलते, तो 150 आया फिर उसमें 25 जोड़िए, 175 दो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे, फिर 175 में फिर 25 जोड़े तो 200, दशमलव के बाद 200 आया, दशमलव के बाद जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नोट कर लिए, चलिए 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 बार बार कर रहे हैं,
इसका मतलब आप लोग घर से नहीं चल दीजिएगा कहीं, अभी लॉकडाउन है, अभी बाहर निकलेगा तो फिर पुलिस की लाठी खाना पड़ जाएगा। फिर आप ये नहीं कहेगा कि भैया बोले थे चलिए तो हम चलने आए हैं, ऐसे चलना नहीं। चलिए का मतलब आगे करें बढ़ने के लिए। चलिए तीसरा फिर बोल दिए चलिए, चलिए ठीक है अब चलिए नहीं बोलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए से सूचित करते ही आप समझ गए हैं, प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए पहला क्या है, 3(1-1-3) डॉट डॉट डॉट, परिमित एक पी है कि अपरिमित एक पी है बोलिए तो। पहला दिन का थ्योरी क्लास नहीं देखे है तो उस वीडियो को फिर से देखिए, डॉट 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 लगा हुआ है और निश्चित रूप से बढ़ रहा है, तो ये क्या है अपरिमित एक पी। अब परिमित एक पी जैसे इसमें ये लग गया अपरिमित रूप से बढ़ रहा है अपरिमित एक पी, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं सो देखिए, तो छोटी सी बात है, दो चीज में निकालना है, पहला पद क्या है और सार अंतर क्या है। पहला पद तो कोई कह देगा अंधो कह देगा अंधा भी कह देगा, पहला पद कोई कह देगा, पहला पद तो यही है ना, पहला पद कि दूसरा पद कि तीसरा पद कि चौथा पद, ठीक है। तो पहला पद कितना है 3, प्रथम पद लिखिए या ए लिखिए, फिर आपको क्या निकालना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं डी से, तो डी कैसे निकालते हैं बोलिए तो अगला पद घटे बोलिए पिछला पद, इसमें से इसको घटा लीजिए या A1 A2 A3 A4 मतलब A2 में से A1 घटा लीजिए या A4 में से A3, इस सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा बुझिए ना कि डी कैसे निकालते हैं, अगला पद घटे पिछला पद, तो अगला पद है 1 उसमें से घटा रहा है पिछला पद 3, तो 1 में से 3 घट के कितना हो गया -2, बस हो गया। क्या आज सब सवाल ऐसा ही होता तो बड़ा मजा आ जाता नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए नोट कीजिएगा, -5-1-3-7 डॉट डॉट डॉट, बना सकते हैं आप लोग तो बनाइए। तो बोलिए पहला पद, अब गलसे की तरफ से ज्यादा आवाज आ रहा है, देखिए पहला पद कितना है 1-5 डी, अगला पद घटे पिछला पद, -1 में से घटा लेना है -5, तो -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 में से घट गया तो कितना हो गया 4, बस ए और डी। चलिए नोट कीजिए, कुछ लोग कहते होंगे कि भैया हम जब नोट करने लगते हैं तो आप तुरंत मिटा देते हैं, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और आप नोट कर लीजिए तब आगे जाइए, ठीक है। भैया आपके मोबाइल में हमेशा रहते हैं इसलिए आप उसको रोक लीजिए और उसके बाद नोट कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। हम अगर आपके नोट करने के लिए 5 मिनट रुकेंगे तो फिर पता चलेगा 2 घंटे का वीडियो हो गया, और लंबा जो वीडियो होता है वो फिर लोड नहीं हो पाता है, ऐसे आधे घंटे का वीडियो लोड करने में 2-2 घंटा 3-3 घंटा लग जाता है, 50 मिनट का अगर एक वीडियो था उसको 4 घंटा में लोड करना पड़ा। तो चलिए तीसरा देखिए, तो तीसरा का तीसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट,
बोलिए प्रथम पद ए का मान कितना है, ये तो सीधा देख रहे हैं एक बट्टा तीन। डी का मान कितना, अगला पद घटे पिछला पद पांच बट्टा तीन में से घटा लीजिए कितना एक बट्टा तीन, तो जिनका घटाओ तीन तीन लघुत्तम तीन पांच घटे एक चार बट्टा तीन। तो चौथा देखा जाए जीरो दशमलव छ, एक दशमलव सात, दो दशमलव आठ, तीन दशमलव नौ डॉट डॉट डॉट। कुछ लोग का क्वेश्चन आ रहा है, हम सुन लिया आपका क्वेश्चन कि भैया आप इसमें एक को डी निकालते हैं, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर ये सब कहा निकालते हैं। एक वो सवाल इससे पहले पढ़े थे उदाहरण दो में, उसमें डी वन डी टू डी थ्री करते थे, इसमें कहा नहीं करते हैं। तो सवाल देखिए तीसरा में क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, ये एपी में है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा लिखा रहता कि इनमें से कौन कौन एपी में है या क्या यह एपी में है, जब आप ही से पूछा जाता क्या यह एपी में है तब आप इसका थर्मामीटर क्या लगाते डी, ठीक है, तब आप डी वन डी टू डी थ्री निकाल के चेक करते कि यह एपी में है कि नहीं है। लेकिन ये पहले कह दिया है कि यह एपी में है, निम्नलिखित एपी में मतलब ये एपी में है, पहले से पता है उस समय में दिया गया कि ये एपी में है, इसलिए इसमें डी वन डी टू डी थ्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक का मान बोलिए जीरो दशमलव छ, इधर सीधा देख रहा है। डी का मान बोलिए अगला पद घटे पिछला पद, एक दशमलव सात में से घटा लीजिए जीरो दशमलव छ, क्या घटा लीजिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। कुछ आदमी कहेंगे भैया कैसे आ गया, इसलिए हम एक एक चीज को तोड़ देते हैं, सात में से छ गया एक में से जीरो गया एक, तो एक दशमलव एक हो गया, कितना बचा 22। चलिए नोट कर लिए। बढ़े आगे बढ़ू, ठीक कभी कभी आप लोग खुद को कोसते होंगे कि शायद मेरा भाग्य खराब था, मेरा नसीब खराब था कि मेरे हैं जब हम दसवा में गए तभी ये कोरोना आ गया, जो लोग बोर्ड एग्जाम दे दिया वो लोग खुश होगा, जिसका ट्वेल्थ हो गया वो खुश होगा। तो आपको इन सब बातों में नहीं आना है, आपको इस साल को अच्छे से बिता लेते हैं। रतन टाटा उद्योगपति बोले थे पेपर, उनका एक इंटरव्यू आया था कि ये जो 2020 साल है ये कमाने का नहीं है, ये कुछ करने का नहीं है, ये 2020 साल बस जीने का, जीवित रहने का ये, ठीक है। तो आप इस साल अच्छे से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इस साल अच्छे से आप गुजार लीजिए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है, आप की लाइफ को बर्बाद कर सकता है, इसलिए पढ़ना पढ़ाना ये सब चलता रहता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ी, एक मिनट रुक जाइए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अगर आपको लगता है कि ये एक साल आपका जो तीन चार दो तीन महीना गैप हुआ है, इस दो तीन महीना में आपका नसीब खराब हो गया है, तो जरा हम आपको बता दें कि एग्जांपल देखें कि अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं, फिर इंटर करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप रेलवे बैंक SSC किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जॉब की तैयारी करेंगे, क्या वहाँ फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट चांस में हो जाता है? वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप अपने गांव घर में देख सकते हैं, तो एक बार एग्जाम दिए फेल्योर हुए, दूसरा बार दिए फेल, क्या वो एक बार फेल हो गए तो बस वो पढ़ना छोड़ देते हैं? लोग दो दो साल तीन तीन साल चार साल
जॉब की तैयारी करते तब जाकर वो जॉब ले पाते हैं, ठीक है। तो सोचिए जरा कि आगे जाके तो आपको रुकना ही रुकना है, लेकिन भी कुछ प्राकृतिक ऐसा समस्या आ गया जिसके कारण आपको रुकना पड़ गया, ठीक है। इसीलिए आप धैर्य रखें, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका सिलेबस खत्म करूंगा। 3 महीना भी मिलेगा ना तो हम आपको गर्ल्स को सुबह में कर देंगे, बॉयज को शाम में कर देंगे, और बॉयज को गर्ल्स को भी सुबह में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ा देंगे, 4 घंटा पढ़ाएंगे। बॉयज को भी जो है मतलब कि शाम में 5 बजे 4 बजे बुलाएंगे, रात में 8-9 बजे तक पढ़ाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस हम खत्म करेंगे। इसलिए मैं आपके साथ हूँ, आप घबराइए नहीं, आप बिंदास रहिए, मस्ती में रहिए, ठीक है। जितना भैया होमवर्क दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, बस उसको पढ़िए, उसको बनाइए, बिंदास रहिए, ठीक है। बिंदास में तो घर में बिंदास रहना है, बाहर भी चले जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए, कहीं आसपास में भी अब समस्या बढ़ गई है, ठीक है। तो चलिए आगे, चलिए तीसरा का हो गया, चारों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, उस याद आया आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम जो दे रहे हैं नीचे कुछ क्वेश्चन उसमें कौन कौन एपी में है, आपको चेक करना है एपी में है कि नहीं। चेक कैसे करते हैं, बुखार डी लगा के, D1, D2, D3 लगा के चेक कर लेते हैं कि यार एपी अगर सब सेम आया तो एपी में है, अगर सब सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, आगे क्या कह रहा है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। देखिए पहला, हाँ कुछ और क्वेश्चन है उसमें, सार्व अंतर ज्ञात करें और सार्वतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद ज्ञात करें। चलिए रुकिए, पहला देखिए 2, 4, 8, 16 ड। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, पहले चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। तो D1 बोलिए, 4 में से क्या घटाएंगे 2, अगला पद घटे पिछला पद, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2। दूसरा डी निकालेंगे, 8 में से क्या घटाएंगे ठीक अगला में से ठीक पिछला को, 8 में से क्या घटाएंगे 4, कितना आ गया 4। क्या डी का मान सेम है, क्या D3 निकालूं, यही नहीं मिला था आगे निकालने से कोई फायदा नहीं। तो जब डी का मान सेम नहीं है तो नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं यह एपी में नहीं है, ठीक है। अगर एपी में होता तब ना हम इसका सार्व अंतर ज्ञात करें, तो सार्व अंतर तो वही है डी का मान, तब ना हम इसका अगला 3 और पद निकालते। जब ये एपीए में नहीं है, जब ये इंडियोने नहीं है, तो बिहारी कैसे हो सकता है, मथुरापुर का कैसे हो सकता है, भैरवपट्टी का कैसे हो सकता है, क्या। तो जब ये एपी में ही नहीं है तो हम इसका अगला पद नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, चलो देखिए, दूसरा
दूसरा देखिए, दो पांच बट्टा दो, तीन सात बट्टा दो, डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए कि क्या यह एपी में है, कौन कौन एपी में है। तो पहले डी वन डी टू डी थ्री से चेक कर लेते हैं। तो बोलिए अगला पद घटे पिछला पद, पांच बट्टा दो में से घटा लीजिए दो, कुछ नहीं तो बट्टा में एक, दो में से दो और एक अलग उत्पन्न दो, पांच एक से दो मरते दो दूना चार, पांच में से चार घट गया तो एक बट्टा दो। चलिए दूसरा डी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तीन में से क्या घटा लेंगे, पांच बट्टा दो, छोड़े बट्टा में दो और एक अलग उत्तम दो, एक से दो मरते दो दिया छ, पांच छ में से पांच गया एक बट्टा दो। हाँ डी का मान सेम है, और निकालना है ना, इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटाते हैं। तीसरा डी, सात बट्टा दो में से क्या घटा लेंगे, तीन, तो दो और एक अलग उत्तम दो, तो सात एक से दो, दो मरते हुए दो तिया छ, सात में से छ घट गया तो कितना हो गया एक, तो एक बट्टा दो। हाँ एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो। डी का मान क्या है, सेम है। जब डी का मान सेम है तो क्या लिखेंगे, हाँ यह एपी में है, मतलब ये एपी है। अब उस क्वेश्चन में और भी कुछ बातें थी कि अगर ये एपी में है तो इसका सारमंत्र ज्ञात करें, तो इसका सारमंत्र तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, फिर से क्यों निकालूं। इसका सारमंत्र कितना, डी वन डी टू डी थ्री, डी का मान कितना है एक बट्टा दो, और तीन को अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। इसका अगला तीन पद तो बोलिए, तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तीन को अगला पद, मतलब कौन कौन पद, पांचवा पद छठा पद और सातवां पद, तीन निकालना है। तो बोलिए पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलिए आप लोग क्या बोले, बोले चौथा पद में जोड़ देना किसका मान, डी का मान। तो बोलिए मतलब पांचवा निकालने के लिए चौथा पद में डी का मान, ठीक है। तो चौथा पद में डी का मान, चौथा पद कितना है सात बट्टा दो, डी का मान है एक बट्टा दो, तो दो सात प्लस एक आठ बट्टा दो चार, कितना आ गया चार, पांचवा पद निकल गया ना। अब देखिए छठा पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे छठा पद, बोलिए तो पांचवा पद में क्या जोड़ लेना है, डी का मान, नहीं पांचवा पद में डी का मान, ई डी नहीं है, बताओ अब पिछला पद में डी का मान जोड़ेंगे अगला पद निकलता चला जाएगा, तो चार में जोड़ लीजिए कितना, डी का मान एक बट्टा दो, दो और एक अलग उत्तम दो, चार दो आठ और एक कितना हो गया नौ बट्टा दो। चलिए तीन को पद कर रहा था ना, तो सातवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलिए छठा पद में जोड़ लेंगे डी का मान, तो देखिए छठा पद कितना आया नौ बट्टा दो, डी का मान कितना है एक बट्टा दो, तो दो नौ प्लस एक दस बट्टा दो पंचे दस, कितना आ गया पांच। आगे और भी पद हम लोग निकाल सकते हैं, तो नोट किया जाए कोई डॉट किसी को, एक बार रुकिए फिर से, डी वन डी टू डी थ्री क्यों निकाले, देखिए रटिए नहीं, मैथ रटने किसी नहीं है, ठीक है। जैसे हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे वैसे ही ऑनलाइन पढ़ा रहे, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऑफलाइन में यही था कि बस पूरा क्लास भरा होता था, तो थोड़ा हम लोग हंसते भी थे बहुत ज्यादा और पढ़ते भी थे थोड़ा ज्यादा, डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ते थे। ऑनलाइन में है क्या कि पूरा क्लास खाली है और हम ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, यहाँ मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, एक कैमरा मैन था वो मोबाइल कैमरा सेट करके वो भी लगता सो गया है। तो देखिए डी वन डी टू डी थ्री, तीन बार डी क्यों निकाले, क्योंकि हमको चेक करना था कि यह एपी में है कि नहीं है, एपी में नहीं होता तो यहीं पर विदाई समारोह हो जाता इस क्वेश्चन का, बात खत्म। लेकिन आगे बात क्यों बढ़ा, क्योंकि एपी में है, एपी में है तो सारमंत्र तो निकाल ही चुके हैं, उसके बाद पांचवा पद छठा पद सातवां पद, तीन पद कर रहा था, चार पद रहता था आठवां पद निकालते हैं।
नोट किया जाए। चलिए नोट कर लिए। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। पहला चौथा का जो है दूसरा तक हो गया है और इसके तीसरा से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही तक। अच्छे से आप लोग उसको बार बार देखिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए।